हाई ग्रेड फीवर के साथ सर में बहुत ज्यादा दर्द, उसके साथ मसल्स में पेन, बोन्स में पेन और जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं इनमें अगर पेन है, इसके साथ अगर बॉडी में हाथ पैरों में रेसेस आ रहे हैं, रेसेस इनसेन रेड रेड चिकत्ते अगर पड़ रहे हैं, तो ये में भी आपका डेंगू का सिम्टम्स हो सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं आपको इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर ये जो डेंगू है ये होता क्या है और ये डेंगू फीवर क्या है और इसकी वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या कारण है डेंगू फीवर का, और लास्ट में कैसे हम डेंगू को डायग्नोज करते हैं बाकी अलग बुखारों से, और इसके साथ क्या एट लास्ट इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपका टोटली मेडिकल और साइंटिफिक डेलीब्रेशंस पे बेस्ड है। तो आइए समझते हैं क्या है डेंगू फीवर। बात करें अगर डेंगू फीवर की, ये आपका एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। तो आखिर ये फैला कैसे? जितने भी वायरल इन्फेक्शन है ये एक दूसरे से ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है किसका क्या करियर है। जैसे कि हाल ही में अभी सालों अभी भी चल रहा है कोरोना वायरस था, जो कि आपका टच करने से भी इवन फैल रहा था, उसी तरीके से ये जो डेंगू फीवर है या फिर डेंगू का वायरस है ये आपका मॉस्किटो बाइट की वजह से फैलता है। बात करें अगर मॉस्किटो बाइट, तो इसको जो फैलाने वाली मॉस्किटो होती है वो होती है फीमेल एडीस मॉस्किटो, जो कि डेंगू के वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैरियर का काम करती है। ये तो था इसका कारण। अब बात करें इसके सिम्टम्स की, तो क्या सिम्टम्स डेंगू के मरीजों में देखने को मिलता है? जैसे कि सारे बुखार में कोई भी तरीके का फीवर हो तो सब में देखने को मिलता है, हाई ग्रेड फीवर अगर वायरल है तो, उसके साथ आपका बॉडी में पेन है, ज्वाइंट में पेन है, इसके साथ मसल्स में पेन है। और डेंगू का जो इम्पोर्टेंट एक नोट किया जाता है जो सिम्टम है वो होता है बॉडी में रेसेस। आखिर ये बॉडी में रेसेस पड़ा क्यों? बात करें अगर इसके सीवियर सिम्टम्स की, मतलब ये तो था कॉमन सिम्टम, किसी भी तरीके का कोई भी फीवर है तो आपको सर में दर्द, बुखार होगा, इसके साथ बॉडी में पेन है, चक्कर आना, ये तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है। लेकिन जो अब मैं आपको सिम्टम बताऊंगा जो डेंगू फीवर को बाकी फीवरों से डिफ्रेंशिएट करता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सिम्टम्स आपको इस सीजन में आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या किसी भी डॉक्टर से संपर्क करें। बात करें अगर सिम्टम्स की, जैसे अगर आपके पेट में एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है, इसके साथ आपको नौजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम आ रहे हैं, मतलब कि आपको ऐसा जी मचला रहा है, और इसके साथ कभी आपको उल्टी आ ही जाए, और मैं बात करूं अगर कि उल्टी में अगर जब आपके ब्लड आने लगे तब आप समझ लीजिए कि आपका जो सिम्टम आ रहा है ये सीवियर है, आपको सीवियर डेंगू हो चुका है, आपको नजदीकी हॉस्पिटल में तुरंत जाना चाहिए। क्योंकि जो डेंगू में देखा जाता है मोस्ट कॉमनली प्लेटलेट्स काउंट घट जाता है। प्लेटलेट्स आपका एक ब्लड का कंपोनेंट है, जैसे WBC RBC वैसे प्लेटलेट्स है। जब ये प्लेटलेट धीरे 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 घटने लगती है, इसका अमाउंट 50,000 से कम आ जाता है, तो इसको बोलते हैं सीवियर आपका डेंगू हुआ है, तब आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। इसमें आपको क्या होता है, अगर आपका प्लेटलेट घट रहा है तब आपको जो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, प्लेटलेट्स अगर कम हुआ है तो आपको चक्कर आएगा, कमजोरी महसूस होगी। ये तो था आपका डेंगू के कुछ इंपॉर्टेंट और सीवियर सिम्टम्स। अब मैं बात करूं आपसे अगर किसी को डेंगू हुआ है तो उसको कैसे डायग्नोस किया जाए। जैसे मैंने आपसे बताया डायग्नोसिस में इसको जो पता करते हैं डॉक्टर, सबसे पहले आपका कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल चेक किया जाता है, जिसको CBC के नाम से मोस्ट कॉमनली जानते हैं। इस कंप्लीट ब्लड कंपोनेंट में आपका चेक किया जाता है, आपका प्लेटलेट्स काउंट कितना है, आपका हीमोक्राइट कितना है, ये सारी चीजें देखी जाती है इस टेस्ट में। और अगले तरीके की मैं बात करूं आपसे तो आपका LFT भी करवाया जाता है, LFT इन सेंस आपका SGOT SGPT भी चेक होता है। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं, इसके साथ भी और भी टेस्ट कराए जाते हैं। अगर आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन रही है, किसी और बीमारी की तरफ आपके संकेत हैं, तो आपका चेस्ट एक्सरे भी करवा लिया जाता है। तो इससे आपका डिफरेंशिएट हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि आपको डेंगू हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट लास्ट जो टेस्ट होता है वो होता है एंटीबॉडी टेस्ट, जिसमें कि IgM IgG एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है। अगर ये पॉजिटिव आया इसका मतलब आपको डेंगू हुआ है।
तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में, अगर किसी को डेंगू हुआ है वो घर पे कैसे ट्रीट कर सकता है, अगर उसको सीवियर सिम्टम्स आए हैं तो हॉस्पिटल में, अगर वो गया है तो हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट उसको दिया जाएगा। बात करूं अगर मैं इसके नॉर्मल सिम्टम्स की, जैसे कि अगर आपने कंफर्म करा लिया है कि आपको डेंगू हुआ है, आपका जो सिम्टम है सीवियर नहीं है, तो आपको उस समय जो दवा या फिर मेडिकेशन चलाई जाती है वो चलती आपका सिम्टोमेटिक बेस पे, क्योंकि डेंगू का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। जैसे कि आप कह सकते हैं अगर आपको किसी को भी गंभीर बीमारी हुई है बैक्टीरिया की वजह से, मान लीजिए टाइफाइड हुए क्योंकि वो बैक्टीरिया की वजह से हुए हैं, तो उसमें स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स चला के वो ठीक की जाती हैं। लेकिन डेंगू फीवर एक ऐसा फीवर है जो वायरल की वजह से है, इसलिए इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसमें आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलाया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब, अगर किसी को फीवर है तो फीवर के लिए उनको एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि आपका पैरासीटामॉल हो गया। एक चीज नोट करिएगा, क्योंकि किसी को भी फीवर आता है वो तुरंत जाके एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन ऐसी बहुत सारी टेबलेट्स ले लेता है, लेकिन इस समय याद रखिएगा जो एस्पिरिन होती है ये आपके डेंगू के फीवर में नहीं दी जाती, क्योंकि ये आप डेंगू में, ये आपका जो ब्लड वेसल्स है इसमें नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए अवॉइड किया जाता है कि डेंगू फीवर में एस्पिरिन ना दिया जाए। डॉक्टर्स क्योंकि ऐसी दवाइयां नहीं देते हैं, उनको पता होता है, लेकिन कुछ लोग क्या, मैक्सिमम लोग हमारे इंडिया में जो हैं, कुछ भी होता तुरंत मेडिकल स्टोर पे जाके ऐसी दवाइयां ले लेते हैं। अब बात करें क्योंकि पेन है तो एनाल्जेसिक दवाइयां, दर्द निवारक गोलियां, ऐसी बहुत सारी आपकी सिम्टोमेटिक इलाज किया जाता है। मेन जो आपको डेंगू में डॉक्टर्स आपको प्रिफर करते हैं, एडवाइस करते हैं, वो ये करते हैं कि आपको अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है। डेंगू में आपको टोटली अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि इसका जो सिम्टम है आपका एक हफ्ते से 14 दिन के अंदर आपका चला जाता है। तो आपको इन दिनों अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हेल्दी रखनी है, ऐसी चीजें खानी है जिससे आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड हो। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि डेंगू को फीवर में जो पपाया यानी कि पपीते का जो लीव्स होती हैं उसको पीस के जूस बना के पीना चाहिए, क्योंकि वो आपका प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आगे कौन कौन सी ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फल खाने चाहिए जो कि डेंगू के मरीजों को बहुत ज़्यादा जिससे फायदा मिले। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बात किया क्या होता है डेंगू फीवर, कैसे वो फैलता है, किस क्या सिम्टम्स और क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने आसपास अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, वीडियो में दी गई छोटी छोटी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइट।